प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक है। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा शामिल है बैठक में। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित दिग्गज शामिल है। गांव चलो अभियान को लेकर भी चर्चा। बैठक के बाद प्रदेश पदाधिकारियों की भी बैठक होगी और मिशन लोकसभा चुनाव 2024 और सीटें 25 जिस पर नजर है बीजेपी की। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कल जब जोधपुर दौरे पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि 25 की 25 सीटें तो जीतनी है ही, साथ ही साथ लक्ष्य बूथ में 60 से 70% तक वोटिंग सुनिश्चित हो, यह भी एक कोशिश रहेगी बीजेपी के पदाधिकारियों। और अब ये बैठक है कोर कमेटी की, जिसमें कोर कमेटी के तमाम सदस्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सीपी जोशी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके अलावा प्रदेश भाजपा के महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। और अब मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 2 से 3 माह का वक्त शेष रह गया है और यही कोशिश है कि फिर पार्टी 25 की 25 सीटों पर जीत हासिल करे। लगातार कोई भी आगामी कार्यक्रम को लेकर और योजनाओं को लेकर बैठना होता है, उसी के नियमित आज की बैठक रखी। राम मंदिर को लेकर किस तरह बड़ा काम हुआ है देश में, आपकी यात्राएं भी चल रही हैं लगातार। ये अद्भुत है, अविस्मरणीय है। मैं सोचता हूँ कि 500 वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ है और लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से प्रभु श्री राम लला का दिव्य और भव्य मंदिर देख पा रहे हैं। ये निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। आदरणीय आडवाणी जी, जो वर्षों से मैं देखता था, 2014 में जब वो संसद में आते थे तो समय पर आना और पूरा समय बैठना, उनके जीवन में बहुत कुछ सीखने लायक है। जिस प्रकार से पूरा जीवन उन्होंने पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए लगाया, मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे वरिष्ठ नेता को भारत रत्न मिला है। और सौभाग्य से आदरणीय अटल जी को भी आडवाणी जी वो जोड़ी थी, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा हिंदुस्तान, दोनों को भारत रत्न मिला है, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी। देश में 1000 साल का संघर्ष, जब भारत की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने के लिए सुदूर पश्चिम से विभिन्न आक्रांता भारत में आए और भारत के आस्था के मानबिंदुओं को पद्दलित करने का प्रयास किया, उस पूरी श्रृंखला में भगवान श्री राम के मंदिर को बचाने के लिए लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपने आप को बलिदान किया। भगवान राम के मंदिर की रक्षा इस सनातन धर्म की, सनातन मान्यता के मेरुदंड की रक्षा थी और तदुपरांत इस मंदिर के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लाखों लोगों ने जो है अपना सर्वस्व समर्पण किया। मंदिर टूटने के बाद में 500 साल तक मंदिर वापस उसी स्थान पर बन सके, इस उद्देश्य को लेकर के अनेक लोगों ने अपना जीवन उस मंदिर की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वो 1000 साल का संघर्ष समाप्त हुआ है। तो देखिए, अब बैठक में लगातार पहुंच रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता और जब उनसे सवाल किया गया अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिहाज से, तो उन्होंने कहा कि सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इसके अलावा जब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट की, तो फिर उस पर भी जिक्र करते हुए कहा कि ये जोड़ी रही अटल लाल कृष्ण की और गर्व की बात है कि दोनों को ही सर्वोच्च सम्मान देश का भारत रत्न दिया गया है। और इससे पहले बिहार के पूर्व सीएम को भी भारत रत्न देने की बात कही गई थी, उस पर भी प्रतिक्रिया बीजेपी नेताओं की आई थी। और अब कोर कमेटी की बैठक है, सीपी जोशी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भी मौजूद है, डिप्टी सीएम मौजूद है बैठक में। इसके अलावा प्रदेश भाजपा से जुड़े आला अधिकारी और आला नेता पहुंचे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए।
सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, बैठकों का दौर अब लगातार चल रहा है, साफ है कि लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटों पर फोकस रहेगा, लेकिन कोर कमेटी की बैठक में गांव चलो अभियान को गति देने को लेकर के क्या निर्देश दिए जाएंगे, अभियान की रूपरेखा किस तरह से निर्मित की जाएगी? देखिए, कोर कमेटी की बैठक में जो बात हुई है वो एक रात गांव में गुजारते हैं कि भाजपा के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को, इनको ग्रामीण लोगों के बीच में एक रात गुजारनी है, इसे लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा आज की जो बैठक है इसमें राज्यसभा चुनाव में बस इन्हें अपने लिहाज से विधायकों को एक साथ एक ट्रेनिंग कैंप में, या जिसे बाड़ेबंदी कहते हैं, उस के लिए व्यवस्था करनी होगी। बाकी सब कुछ केंद्र के ऊपर होगा, केंद्र क्या डिसाइड करता है। लोकसभा चुनाव में महती जिम्मेदारी प्रदेश संगठन की है कि संगठन किस तरीके के नाम भेजेगा, तो इस तरीके की बात हुई है। थोड़ी देर बाद और स्थितियां स्पष्ट होंगी। अभी भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी देर में एक और बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक के बाद वो जो बैठक है उसमें सभी मोर्चा अध्यक्षों को बुलाया है, सभी पदाधिकारियों को बुलाया है, उनके साथ यहाँ पर बातचीत और चर्चा होगी। उस कुल मिलाकर कहा जाए तो अब आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से हफ्ते भर के बाद, मान लीजिए कि कंप्लीटली पूरी तरीके से ही चुनावी मोड में चली जाएगी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में जाने की तैयारियों में जुटी हुई है। उसी तैयारी के तहत प्रदेश महामंत्री और मोर्चों के अध्यक्ष, संभाग प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक है। तो संभाग में जो प्रभारी लगाए जाते हैं, खुद भजन लाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी संभाग प्रभारी रहे हैं और जोधपुर जैसे संभाग के प्रभारी रहे हैं, तो संभाग प्रभारियों की ये बैठक है। और इस बैठक के बाद जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं वो वापस से एक साथ बैठेंगे। आज की जो कोर कमेटी की बैठक है इनमें इन्हीं विषयों को लेकर चर्चा हुई है। ऐश्वर्य, गांव चलो अभियान की बागडोर के लिए जिम्मेदारियां कैसे सौंपी जानी है, किन किन नेताओं को सौंपी जानी है? देखिए, ये जो पूरा कार्यक्रम है गांव चलो अभियान, ये कार्यक्रम को लेकर, ऐश्वर्य अपनी बात पूरी कीजिएगा, बस एक सेकंड का वक्त मुझे दीजिएगा। एक बार दर्शकों को बता दें कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे कोर कमेटी की बैठक लगातार चल रही है और लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बाहर निकले। ऐश्वर्य अपनी बात पूरी कीजिएगा। यही अपडेट मैं दे रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अब सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं और कोर कमेटी की बैठक समाप्त हो चुकी है। इस वक्त का यही बड़ा अपडेट है कि कोर कमेटी की बैठक समाप्त के बाद अब इंतजार है कि भाजपा के नेता क्या बोलकर जाएंगे। हालांकि कोर कमेटी की बैठक के बाद बाइट में जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन मोटे तौर पर चीजें जो निकल कर सामने अभी तक आई है वो यही आई है। ऐश्वर्य, तो यानी कि ये माने कि बैठक पूरी हो चुकी है और अब बस नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू होना है? जी बिल्कुल, बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि ये बैठक सिर्फ एक घंटे की बैठक थी, लेकिन एक घंटे से ज्यादा बैठक चली है। बैठक 11 बजे 11:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन थोड़ा सा विलंब ये बैठक शुरू हुई। और इसके बाद मुख्यमंत्री हैं वो सीधे ERCP बांध क्षेत्रों का अवलोकन के लिए जाएंगे। हालांकि मौसम कितना साफ रह पाता है, मौसम खराबी इसमें एक बाधक बन सकती है, तो मौसम यदि साथ देगा तो मुख्यमंत्री और कन्हैयालाल चौधरी जो कि जलदाय विभाग के मंत्री हैं ये साथ में जाएंगे। और क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत आ गई हैं और ERCP को तकनीकी रूप से अच्छे तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत बताएंगे भी, बता भी सकते हैं, तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी आज यहां पर मौजूद रहेंगे। और गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि सुरेश रावत को तो रहना ही है जो कि जल संसाधन मंत्री है, और कन्हैयालाल चौधरी को भी इसमें रहना होगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री के साथ में मौजूद रह सकते हैं। हालांकि अभी फाइनल नहीं है, लेकिन एक विचार किया गया है कि एक साथ ही प्रेस को संबोधित कर दिया जाए। ऐश्वर्य, एक घंटे की बैठक के क्या क्या हाईलाइट्स रही आप वो बताइएगा। देखिए, इस बैठक में अंदर की बैठक होती है, पार्टी कोर टीम की बैठक होती है, तो बैठक में हाईलाइट्स हम वापस से उन्हीं चीजों पर आएंगे। लोकसभा है, राज्यसभा है, और राज्यसभा को लेकर मोटे तौर पर हमने जो बात कही कि ऐश्वर्य रोकना चाहेंगे, डिप्टी CM दिया कुमारी कुछ कह रही हैं। देखिए, अभी अडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा किस तरह देखते हैं? बहुत ही हम सभी के लिए खुशी की बात, गर्व की बात है, और उनका तो मैं कहूंगी कि हमारे तो वो भारतीय जनता पार्टी के पिलर हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, सभी के लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है।
भी सर 25 ही 25 सीटों का लक्ष्य एक बार फिर पार्टी ने तय किया, हैट्रिक लगानी तैयारी है पार्टी की? बिल्कुल है, निश्चित रूप से 25 सीटें हम लोग जीतेंगी और लोकसभा में भी पिछली बार से ज्यादा हमको बहुमत मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, कार्यकर्ता हमारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं, नेता भी जनता के बीच रहते हैं, तो उसको देखते हुए ही ये जो अभियान है, ये गांव चलो अभियान अभी 3 दिवसीय अभियान है, उसमें हम सभी लोग गांव में रहेंगे, कम से कम 24 घंटे गांव में रहेंगे और हर व्यक्ति चाहे मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सब। आपकी राजसभा सीट पर कोई शूटिंग में उतरा दिया अभी ये सब बातें तो बोला गणेश जी महाराज की। तो देखिए डिप्टी सीएम रिया कुमारी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 25 की 25 सीटें जीतेंगे, गांव चलो अभियान के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और कहा कि गांव चलो अभियान को गति देने का कार्य होगा। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, हमें अपडेट लगातार दे रहे हैं। ऐश्वर्य, गांव चलो अभियान जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे, बताया गया कि 3 दिवसीय अभियान है, ऐश्वर्य चाहेंगे कि बीजेपी की क्या रणनीति है वो पूरा समझाइए आप इस अभियान के माध्यम से। देखिए शिखा, ये जो बैठक है, इस बैठक में जिन भी नेताओं से हमने बातचीत की है सुबह से लेकर अब तक, रिया कुमारी ने भी बातचीत की है, उससे पूर्व गजेंद्र सिंह शेखावत बात करके गए, अरुण सिंह बात करके गए, कैलाश चौधरी बात करके गए और सीपी जोशी बात करके गए, सभी ने लोकसभा चुनाव और राम मंदिर इन्हीं विषयों को लेकर बात कही है। इन्होंने कहा है कि 400 पार तक की बात कही है कि 400 पार जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा है तो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का, प्रधानमंत्री मोदी का लगातार तारीफ का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर जो 3 दिन का अभियान है, इस अभियान को विशेष रूप से, ऐसा नहीं है, विशेष रूप से इसकी प्लानिंग कर ली गई है और मुख्यमंत्री के साथ भी इस अभियान को लेकर कल देर रात एक बैठक हो गई थी। मुख्यमंत्री को उस बैठक के बाद फीडबैक दिया गया कि हम लोगों ने बैठक कर ली है, संगठन की ओर से जो बैठक हुई थी उसके बाद का फीडबैक दिया गया, तो उस बैठक के बाद के फीडबैक में खुद मुख्यमंत्री भी एक रात गांव में गुजारेंगे, मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री दोनों, जिनमें दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, और उनके अलावा जो सभी मंत्री हैं उनको भी एक रात गांव में गुजारनी होगी। इसका एक कारण है, इसका कारण है कि सरकार की योजना, लोगों के साथ अपनापन भी जुड़ा रहता है और ये जितने भी कार्यक्रम आते हैं शिखा, ये केंद्र से आते हैं और उन कार्यक्रमों को ये आगे की तरफ गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन का और पूरी टीम का रहता है। शिखा, ऐश्वर्य बने रहे हमारे साथ, अगली